नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, PTET पाठ्यक्रम 2023 के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि PTET होता क्या है। तो PTET के लिए आपको अगर टीचर बनाना है तो आपको BEd करनी होती है। BEd के लिए BEd कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो 4 साल के लिए और एक 2 साल के लिए। जो स्टूडेंट 12th करके 4 साल का कोर्स सुनते हैं तो वो 4 साल वाली BEd कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल की BEd करते हैं तो उनके लिए भी ये PTET के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये प्री एग्ज़ाम होता है, इसमें आप नंबर लाएंगे, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पे आपको कॉलेज अलॉट होगी, और कॉलेज अलॉट होने के बाद में आप फीस भर के काउंसलिंग करके आप एडमिशन ले सकते हैं BEd में। इसका जो सिलेबस है वो भी आप बताने वाला हूँ मैं कि क्या सिलेबस रहेगा और कितने नंबर कहाँ से आएंगे, वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इनके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं 15 मार्च से, और आप 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी 21 मई को परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, समय कम है बिल्कुल ही आपके पास में, 21 मई को एग्ज़ाम करवाई जाएगी PTET पात्रता परीक्षा के लिए। इसमें जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उन्हें लॉस होगा, क्योंकि उन्हें उनकी मेरिट भी आई जाती है और उन्हें अभी तक एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं और प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से आपके जो तैयारी करने का समय आपको बिल्कुल कम मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से जो 1100 कॉलेज है लगभग राजस्थान में, वो सभी PTET परीक्षा के लिए एडमिशन लेते हैं, यानी BEd करवाते हैं। तो उन सभी के लिए दोस्तों, ये PTET का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की तरफ से 15 तारीख से ही। और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, राजस्थान राज्य के स्थित विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2023-24 के लिए 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम व 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA/BSc BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET प्री BEd BSc BEd के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें आपके जो परसेंटेज का मामला भी रहता है कि सर कितने परसेंट वालों को फॉर्म भरना चाहिए और किन को कॉलेज मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो आप 12th करते हैं, 12th में आपके SC ST वाले हैं स्टूडेंट, उनके 45%, और जो EWS जनरल है OBC है, उन सभी के लिए 50% अंक होने जरूरी है, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और जो 4 साल वाले हैं उन्हें भी आपके 12th में आपके मिनिमम सामान्य के लिए 50% है, और SC ST अनुसूचित जनजाति दिव्यांग तलाकशुदा महिला वगैरह हैं उनके लिए 45% अंक अनिवार्य है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों, आवेदन की तिथि 15 मार्च से स्टार्ट हो गई है, 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश की परीक्षा दोस्तों 21 मई 2023 को करवाई जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस दोस्तों 500 रुपये रखी गई है। बाकी ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं PTET GGTU2023@gmail.com, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये दोस्तों जीमेल अकाउंट है, इसी के साथ में आपको जो आवेदन करने का जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति वगैरह है तो वो उसको निकाल लेना। अब दोस्तों बात करते हैं PTET सिलेबस को लेकर के। PTET सिलेबस में आपके जो मिनिमम जो होते हैं वो 200 प्रश्न आते हैं, 200 प्रश्न आते हैं टोटल 600 नंबर के, और इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न आते हैं, और जनरल अवेयरनेस जो भी GK वगैरह उनके 50 प्रश्न आते हैं, और लैंग्वेज के दोस्तों 50 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपकी हिंदी अंग्रेजी कोई भी आपकी भाषा हो सकती है। तो टोटल 200 क्वेश्चन और 600 मार्क्स के।
बात करें जनरल अवेलेंस की तो राजस्थान का भूगोल और राजव्यवस्था के प्रश्न आते हैं, जिसमें राजस्थान की स्थिति है, विस्तार है, मुख्य भौतिक विभाग है, राजस्थान का आबवा तंत्र है, नदियां हैं, जिले हैं, राजस्थान की जलवायु मृदा है, राजस्थान के वन एवं वन्य जीव है दोस्तों, प्रमुख सिंचाई व बहु उद्देश्य परियोजनाएं हैं, राजस्थान की कृषि है, पशुधन है, राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा है, राजस्थान के उद्योग दोस्तों, राजस्थान में परिवहन एवं पर्यटन, राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण एवं शहरी, ये तो आता है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्या आता है, राजस्थान में आर्थिक नियोजन है, सामाजिक न्याय व कल्याण योजना है, सहकारी आंदोलन है, निर्धनता, बेरोजगारी, राजस्थान की जनसंख्या, शिक्षा, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति भी आती है, और इसमें राजस्थान में सभ्यताएं, पुरातत्व स्थल है, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, किले हैं, स्मारक हैं, धार्मिक जीवन है, संत हैं, कवि हैं, संत संप्रदाय हैं दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता देवियां हैं, राजस्थान के त्यौहार हैं, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, राजस्थान में रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, राजस्थान की जनजातियां व जीवन उनका, इनसे दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं पीटीटी में। राजस्थान में लोक संगीत है, नृत्य है, लोक नाट्य है, राजस्थान की प्रमुख चित्र कला है, शैलियां हैं, राजस्थान की लोक कलाएं हैं, राजस्थानी भाषा हैं, बोलियां हैं, साहित्य हैं, ये सब राजस्थान की कला संस्कृति से पूछे जाते हैं। राजस्थान इतिहास दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर, अजमेर इत्यादि का इतिहास पूछा जाता है। 1857 की क्रांति पूछी जाती है, राजस्थान के कृषक एवं जनजाति आंदोलन से दो प्रश्न आते हैं, राजस्थान के प्रमुख प्रजा मंडल से एक प्रश्न आता है, राजस्थान का एकीकरण से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा दोस्तों तार्किक जो कि रीजनिंग तर्क शक्ति, इनसे संबंधित श्रृंखला परीक्षण है, सादृश्यता है, विजातीय एवं बेमेल है, इन सभी टॉपिक से दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बेमेल अलग करना है, सांकेतिक भाषा या कूट भेदन परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, रिश्ता संबंधित प्रश्न दोस्तों, वे नारेख, घन घनाभ और पासा, वर्ग एवं त्रिभुज की रचना, व्यवस्था क्रम परीक्षण, इनसे संबंधित दो प्रश्न आते हैं, श्रेणी क्रम, समय परीक्षा परीक्षण, इसमें घड़ी आती है दोस्तों, वो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कैलेंडर से संबंधित दो प्रश्न आते हैं, आकृतियों की गणना एक प्रश्न आता ही है, विश्लेषणात्मक तार्किक रीजनिंग, गणितीय योग्यता संबंधित प्रश्न, शब्द निर्माण है, आयु सम परीक्षण है, आकृति शक्ति परीक्षण है, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना है दोस्तों, सन्निहित आकृतियां है, वर्णमाला परीक्षण है, लुप्त संख्या भरना है, ये सभी आता है। फिर शिक्षण अभिरुचि में टॉपिक आते हैं दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, संप्रण संप्रेषण है, व्यावसायिक निष्पक्षता है, अंत व्यक्तिगत संबंध है और सजगता, ये टॉपिक जो कि शिक्षण अभिरुचि के। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, हिंदी में 50 प्रश्न आते हैं, इनमें आप सही भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के इस बार बदल जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 19 नए जिले हुए, 3 नए संभाग बने, तो जो स्थान है वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। तो हालांकि ये अभी फिलहाल तो है जो कि सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करवाई जाएगी, लेकिन जो प्रक्रिया वो धीरे धीरे बदलेगी, तो राजस्थान जीके में चेंजेज होगा, राजस्थान भूगोल में चेंजेज होगा, जो राज व्यवस्था है इसमें सेम रहेगा, और हिंदी है जो कि कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, तो हिंदी में आपको रट्टा मार लेना, एक बार आप समझ के आधारित पढ़े या फिर रट के पढ़े, आपको पढ़ना जरूरी है। हिंदी के 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों बिल्कुल, और रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको कोई भी स्थान वगैरह चेंज नहीं है, जीके में स्थान चेंज हो जाते हैं लेकिन इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है, और आपकी शिक्षण अभिरुचि है जिसमें आप पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पूरे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। सामान्य हिंदी में दोस्तों वर्ण विसार, संज्ञा है, संधि है, संधि विच्छेद है, समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेदन जिसमें तद्भव, तद्भव और देशज जो भी शब्द हैं,
शब्द शुद्धि है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार तक प्रतीत होने वाले और समार्थक शब्द हैं, अनेकार तक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एकल सार्थक शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्तियां, वाक्य संबंधित अशुद्धियां, वाक्य विसार, विनाम चिन्ह, अपठित गद्यांश, ये हिंदी का टॉपिक रह जाता है। फिर आती है भौतिक विज्ञान। विज्ञान से संबंधित दोस्तों 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। भौतिक विज्ञान जिसमें मूल राशि एवं मात्रक है, बल और गति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, तरल यांत्रिकी दबाव एवं उनके प्रभाव है, उत्पलता एवं आर्किमिडीज नियम है, पृष्ठ तनाव एवं सहनता है, उष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा है, विद्युत का दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार के हैं। जीव विज्ञान में दोस्तों कोशिका है, पाचन तंत्र है, अंतःस्रावित ग्रंथियां एवं हार्मोन्स है, मानव प्रसंस्करण तंत्र है, रुधिर है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जन तंत्र है, तांत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र, नेत्र, जैव विविधता, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी, ये सभी आते हैं इसमें। फिर रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री में परमाणु संरचना इनके सिद्धांत है, वैज्ञानिक खोजें इनसे संबंधित दोस्तों 2 प्रश्न आते हैं, वैज्ञानिक खोजों से संबंधित विभिन्न यंत्र उपकरणों के आविष्कारों के एक प्रश्न आता ही है हर बार। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग, भारतीय वैज्ञानिक व उनका योगदान, ये भी प्रश्न आते हैं। वैज्ञानिक खोजें व आविष्कार के प्रश्न हर बार आते ही हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत का सामान्य ज्ञान में भारत के प्राचीन इतिहास के संबंधित 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। इतिहास से संबंधित 2 प्रश्न ही आते हैं, आपको ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है, पढ़ते हैं तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, जो सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से ही आते हैं दोस्तों ज्यादातर प्रश्न आधुनिक इतिहास के, तो आधुनिक इतिहास पढ़ लें तो पढ़ लेना। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, भारतीय संविधान से 3 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। भूगोल से 7 प्रश्न आते हैं, इंडिया भूगोल से दोस्तों 7 प्रश्न आते हैं, ध्यान में रखना है। भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत की नदियां हैं, तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जनसंख्या 2011 की, भारत की कृषि बागवानी पशुपालन, भारत की वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य, तो इसमें 2 प्रश्न आते हैं भाई, भारत की वनस्पति वन्य जीव अभयारण्य से। इसमें जो अभयारण्य ज्यादातर पूछे जाते हैं, काजीरंगा का हर बार होता ही है, पूछते हैं, गिर गिर का पूछ लेते हैं कभी कभार, और इसमें झीलें भी पूछ लेते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, पर्वत श्रेणियों की चोटियां पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 7 प्रश्न कुल मिला के जो भारत का भूगोल है उनसे संबंधित आते हैं। 12 प्रश्न आपके राजस्थान भूगोल से आते हैं, 7 प्रश्न कला संस्कृति से आते हैं, और राजस्थान इतिहास से 4 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो प्रश्न आते हैं, और करंट जीके बिल्कुल ध्यान रखना है, करंट जीके के बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, 11-12 प्रश्न आपके करंट जीके के आते हैं, 12 प्रश्न दोस्तों करंट जीके याद रखना ही रखना है दोस्तों, 12 प्रश्न करंट जीके के आते हैं। बाकी जो मैंने आपको बता दिया है, इसमें ज्यादा हार्ड जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान जीके वाला यही पोर्शन रहेगा, जनरल अवेयरनेस वाला, क्योंकि इसमें आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लगभग आप इनमें ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, 35 से जो 35-36 प्रश्न आप सही कर लेते तो आप सेफ स्कोर में रहने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा जो आपका वो रहता है मानसिक योग्यता वाला, उसमें आप ज्यादा पोषण करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप उसमें भी पिसड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ज्यादा कमजोर स्टूडेंट उसमें भी 30 प्रश्न मुश्किल से सही कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो टॉपिक रहेगा हार्ड में, फिर रहेगा हिंदी। हिंदी को आपको बिल्कुल जो कि तैयार कर लेना है, ज़्यादातर नंबर आप हिंदी में लाएंगे तो ही आपका फायदा होगा। उसके अलावा जो आपकी रहेगी शिक्षण अभिरुचि हो गई, तो शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपके 107 टॉपिक ही है, और 107 टॉपिक आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। आप लगभग कितने भी कमजोर स्टूडेंट, एक बार आपने पढ़ लिया तो आप 40 से लेकर के 45 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो आपका जो पीटीटी में कितने नंबर लाने जरूरी है वो पूछने वालों को मैं बता देता हूँ कि मिनिमम आप अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, 2 साल वाली बीएड कर रहे हैं या 4 साल वाली बीएड कर रहे हैं, तो आपके मिनिमम 300 से प्लस नंबर होने चाहिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए।
और जो स्टूडेंट साइंस से करते हैं, साइंस विषय जिनका 2 साल हो या फिर 4 साल हो, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपके 375+ नंबर हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। आर्ट्स वालों स्टूडेंट के लिए 300+ होने चाहिए, और जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके 375+ नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट लिस्ट की बात करता हूँ, फिर सेकंड लिस्ट में तो दोस्तों 300 से नीचे भी आ सकता है, नहीं 280 वालों को भी कॉलेज मिलता है। तो ये मिनिमम बात तो हुई है दोस्तों आपके कट ऑफ की, कितनी कट ऑफ जाती है। और आप ध्यान में रखना है, मुझे 2 साल का अनुभव है क्योंकि मैंने 2 बार पीटीटी का एग्जाम दिया। पहली बार में मुझे जो कॉलेज मिली थी, मेरे जो नंबर थे वो थे 375 नंबर, और दूसरी वाली जो दोबारा मुझे कॉलेज मिली है अब इस बार मेरे नंबर थे 412 नंबर थे। तो मैंने पीटीटी के 2 एग्जाम दिए थे क्योंकि पहले वाले एग्जाम में मुझे कॉलेज जो कि मेरे ही जिले में मिल गई थी दोस्तों, मेरे ही जिले में दोस्तों मिल गई थी कॉलेज, लेकिन क्या हुआ कि मेरे बीए का रिजल्ट टाइम पे नहीं आया था। यानी मेरे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से मैंने बीए कर रखी थी और मेरा जो कि टाइम पे रिजल्ट नहीं आने के कारण मुझे 1 साल वेट करना पड़ा। फिर दोबारा मुझे एग्जाम दे करके इस बार भी मुझे अपने ही गृह जिले में नजदीक में ही मुझे कॉलेज मिल गई है। मुझे पहली फर्स्ट चॉइस मिल गई है, 712 नंबर थे दोस्तों, और पिछली बार मुझे तीसरी चॉइस मिली थी जो कि 275 नंबर थे। तो इस प्रकार से मुझे 2 साल का अनुभव है। इसी के आधार पे मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएंगे। तो इसके लिए बार बार आपको वीडियोज वगैरह मिलते रहेंगे, और जो मैंने तैयारी किस प्रकार से की उसके अनुसार आपको रणनीति बताऊंगा। थैंक यू।